नमस्कार दोस्तों, हमारे एडेनियम प्लांट्स हेल्दी रहे और उसमें ढेर सारे फ्लावर्स आए, इसके लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो ही नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गलत तरीके से पानी देना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ टिप्स दिखाऊंगा इसी के बारे में, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। दोस्तों, फ्लावरिंग सीजन यानी कि समर सीजन में एडेनियम प्लांट के रूट्स की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। एडेनियम प्लांट का कोडेक्स इतना बड़ा हो और अगर आपने एक दो साल में रेगुलर रिपोर्टिंग ना की हो तो उसके जो रूट्स हैं वो पॉट के अंदर फैलते जाएंगे और जो बॉटम में हमने होल किया है वहाँ से ये निकलने की कोशिश करेंगे इस तरह से। इससे जो एडेनियम का पॉट है उसका जो होल है वो ब्लॉक हो जाएगा और जब हम इसमें पानी देंगे तो ये प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा और जो पानी है वो बॉटम में स्टोर होता रहेगा और जिससे एडेनियम के रूट्स में रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा ना हो इसके लिए आप हर साल एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करें और हो सके तो एडेनियम प्लांट के लिए आप ऐसे ज़्यादा होल वाला पॉट पसंद करें जिससे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दोस्तों, अक्सर हम जल्दबाजी में एडेनियम प्लांट्स को पानी के पाइप से कुछ इस तरह से दे देते हैं। हमारे सारे प्लांट्स तो भीग जाते हैं और हमें भी लगता है कि पानी अच्छे से मिल गया है। इस तरह पानी देने से सारे प्लांट्स क्लीन हो जाएंगे और एडेनियम प्लांट के जो पॉट है उसके सरफेस में भी पानी दिखेगा तो आपको लगेगा कि पानी एडेनियम को मिल गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो पानी है वो सिर्फ यहाँ तक ही जाएगा जबकि रूट्स यहाँ बॉटम में है, वहाँ तक तो ये पानी पहुँचेगा ही नहीं। पानी ना मिलने से एडेनियम प्लांट के रूट स्लोली सॉफ्ट होते जाएंगे और इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्लांट्स को पानी देने का ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपको एडेनियम प्लांट्स में पानी देना ही है तो कुछ इस तरह से दीजिए। 5 से 6 दिन में एक बार आप एडेनियम प्लांट के पॉट को इस तरह से भर दीजिए, स्पेशली समर में, और पानी तब तक दीजिए जब तक पॉट के बॉटम में से पानी निकलने ना लगे। इस तरह ना सिर्फ एडेनियम प्लांट में लेकिन किसी भी प्लांट में आप पानी देंगे तो इसके जो रूट्स हैं इसे प्रॉपरली पानी मिलता रहेगा और आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग आते रहेंगे। आपके पास एडेनियम के सीडलिंग्स हो तो इसमें भी आप इसी टेक्निक से 3 से 4 दिन में एक बार पानी दीजिए। यही एक सही तरीका है एडेनियम प्लांट्स को पानी देने का। दोस्तों, आशा रखता हूँ मेरी ये छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी।